गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में यूनाइटेड इदरीस फ्रंट ने मंगलवार को प्रेस वार्ता किया। यूनाइटेड इदरीस फ्रंट के जिला अध्यक्ष वाजिद अली ने बताया कि इदरीस बिरादरी के लोग सिलाई का काम करते हैं, जिनका पेशा सिलाई का है। हमारी मांग है कि सरकार से जो भी सिलाई का काम होता है, फौज में हो या रेलवे में, जो भी कपड़े बनते हों, सरकारी अफसर, मेडिकल कॉलेजों में, वो काम हमारी बिरादरी को दिया जाए, जो हमारी पहचान है। आज हम अपनी पहचान से बहुत पीछे हो गए हैं। साथ ही यूनाइटेड इदरीस फ्रंट के जिला अध्यक्ष वाजिद अली ने कहा कि आज बहुत महंगाई बढ़ गई है, जिसके कारण बेटियां घर पर बैठी हुई हैं। हम लोगों ने एक सम्मेलन कर यह फैसला लिया है कि अपनी बिरादरी में शादी ब्याह का मसला हल कर लिया जाए, उसमें किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाए। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए यूनाइटेड इदरीस फ्रंट के जिला अध्यक्ष वाजिद अली ने कहा, वाजिद अली जिला अध्यक्ष गोरखपुर, ये बताना है कि एक बिरादरी इदरीसी होती है जो सिलाई का काम करता है, और इसका पेशा ही सिलाई है। हम लोग का मांग ये है कि सरकार से जो सिलाई का काम होता हो, फौज में हो या रेलवे में, जो भी कपड़े बनते हों, सरकारी अफसर, मेडिकल कॉलेजों में, वो काम हमारी बिरादरी को दिया जाए, जो हमारी पहचान है। आज हम अपने पहचान से बहुत पीछे हो गए हैं। सारे लोग सिलाई का काम करते हैं, लेकिन असली जो सिलाई का काम करने वाला बिरादरी है, उसका पहचान आज मिट रहा है। तो हम ये चाहते हैं इस काम को, फौज भी ड्रेस पहनते हैं, मेडिकल कॉलेजों में ड्रेस बनता है, रेलवे में भी ड्रेस चलता है, सारे जगह ड्रेस का काम होता है, जो कि एक बड़े पैमाने पर काम होता है। और जो खास इस बिरादरी से ताल्लुकात रखता है, उस बिरादरी को ये काम नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस काम को इस दर्जी बिरादरी को ही दिया जाए। और बाकी हम लोगों का आपस में ये है कि दहेज, शादी विवाह जो आपस में आज बहुत महंगाई बढ़ गई है, दहेज के कारण बेटियाँ घर पर बैठी रह जा रही हैं, शादी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग आपस में एक सम्मेलन किए हैं कि इस चीज़ को रोक दिया जाए और अपनी बिरादरी में बैठ करके शादी विवाह का मसला बड़े आराम से हल कर लिया जाए, ना कुछ उसमें किसी को देना पड़े, कम खर्चे में अपने काम को हम लोग समेट लें।